Bhakti Naik, and welcome to our YouTube channel Education Fantasy. So now we are going to continue the chapter which we had started in our last to last lecture, that is the living world adaptations and classifications. So now let's go to the adaptations which are shown by animals which live in snowy regions. Okay, so here we can take example of a polar bear, right? Because polar bear to most of us know. Okay, so we'll take such an example with which we are familiar. Okay, so these polar bears live in snowy regions, okay, ice cold regions. They have very thick fur. Why do they have thick fur? So that their body remains warm. Normally, see, in cold seasons, what do we wear? We wear sweaters. Kyun hum sweaters dalte hain? Kyun hum sirf normal kapdon pe nahi ja sakte? बिकॉज बाहर जो क्लाइमेट है वो बहुत कोल्ड है और हमारा बॉडी जो है उस कोल्ड से बचा रहे, उस कोल्ड से ज्यादा हमें अफेक्ट ना हो, दैट इज व्हाई वी वेयर अ स्वेटर. सो इन द सेम वे दीज पोलार बियर्स हैव थिक फर व्हिच एक्ट्स एज देयर स्वेटर सो दैट देयर बॉडी रिमेन्स वार्म फ्रॉम इनसाइड बिकॉज दे तो वॉन्ट टू लिव इन स्नोवी रीजन्स ओनली ना, दैट इज व्हाई. ओके, नाउ दे आर मोस्टली व्हाइट. Now why are they white? ज्यादा करके जो animals रहते हैं जो snowy regions पे रहते हैं वो white रहते हैं. क्यों? ताकि क्योंकि जो उनका पूरा environment रहता है वो snow का रहता है and snow is white in color. Okay? तो ये जो खुद अगर जब animals white है तब वो क्या होगा, वो अपने environment के साथ blend हो जाएगा. Blend means क्या, अगर समझो we are standing in a snowy region and समझो अगर एक polar bear वहां कहीं से pass out होता है, हमें वो चीज पता नहीं चलेगी. क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट भी व्हाइट कलर का है, एनिमल भी व्हाइट कलर का है, राइट? तो फिर दिस हेल्प्स इन पोलार बियर, बट इन व्हाट वे? इट हेल्प्स फॉर प्रिडेशन, ताकि वो अपना जो खाना है उसे अच्छे से ढूंढ सके, उसे कैप्चर कर सके. इस वजह से मोस्टली एनिमल्स व्हिच लिव इन स्नोवी रीजन्स दे आर व्हाइट इन कलर. नेक्स्ट इज दे हैव अ वेरी लॉन्ग नेक. ओके, and next is that they have small ears. Now why do they have small ears? Small ears se kya hoga ki jo body heat hai wo zyada environment mein nahi ja payega. Okay, to jo body warmth hai wo thoda andar rehne mein help karta hai ye jo hai small ears unko. Okay, acha ye jo long neck hai wo kis liye kaam aata hai? Kyunki mostly jo polar bears rehte hain वो लोग आर्टिक ओशंस एंड ऑल में स्विम भी करते हैं, ठीक है? तो ये लॉन्ग नेक जो है उनको उस कोल्ड वाटर सरफेस से ऊपर रहने में हेल्प करेगा, ठीक है? सो योर नाउ से योर आई टुक एन एग्जांपल ऑफ पोलार बियर, बट हो सकता है कि कोई ऐसा दूसरा एनिमल है जो स्नोई रीजन में है बट इसमें से वो एक या फिर दो अडेप्टेशन नहीं दिखा रहा है. दिस मे हैपन बिकॉज अडेप्टेशन विल डिफर फ्रॉम एनिमल टू एनिमल. हियर वी आर स्टडिंग इन अ वेरी जनरल मैनर, ठीक है, कि मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है, दैट वी आर स्टडिंग ओवर हियर. ओके, नेक्स्ट इज द एरियल एनिमल्स. हियर वी टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी बर्ड और यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ इंसेक्ट्स. ओके, सो व्हाट हैपेंस इज जो बर्ड्स रहते हैं उनके पास तो फेदर्स होते हैं बिकॉज उनका तो मोड ऑफ मूवमेंट ही है फ्लाइंग, ठीक है? वो तो चल तो नहीं पाएंगे, उन्हें उड़ना है, सो फॉर दैट दे नीड फेदर्स. नेक्स्ट इज दे हैव विंग्स. विंग्स जो है एक्चुअली विंग्स आर देयर विद इंसेक्ट्स. ओके, इंसेक्ट्स डू नॉट हैव फेदर्स बट दे हैव विंग्स. ओके, तो है बट वो एरियल एनिमल ही ना. एरियल मीन्स वॉट? विच लिव इन एयर. एरियल का मतलब है एयर में जो एनिमल्स रहते हैं उनका. ओके, तो जो बर्ड है उनके पास फेदर्स है बट जो इंसेक्ट्स है उनके पास फ्लाई करने के लिए विंग्स है. ओके, नेक्स्ट इज दैट बोथ ऑफ देम और मोस्टली द एरियल एनिमल्स हैव स्पिंडल शेप बॉडी. स्पिंडल शेप कौन सा रहता है? ये जो है इसको बोलते हैं स्पिंडल शेप, मतलब ये बीच में से ब्रॉड होगा बट ये जो एंड्स है वहां से ये थिन थिन होता जाएगा. इससे क्या होगा, जब भी कोई बर्ड, अभी देखो बर्ड अगर आप देखो तो नॉर्मली इस शेप का रहता है, राइट? जब भी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा जो एयर से उसको ऑपोजिशन मिलेगी उसे ये तोड़कर आगे जा सकता है. मीन्स इफ आई एम अ बर्ड, ओके, आई एम फ्लाइंग अहेड, सो एयर जो है वो अगर समझो ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वो तो मुझे पीछे लेके जाने की कोशिश करेगा, राइट?
बट ये स्पिंडल शेप बॉडी जो है मेरा वो हमेशा मुझे आगे जाने में हेल्प करेगा. ओके सो बट यू डोंट नीड टू गो सो मच इन डिटेल. ओके यू जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक अडेप्टेशन दैट इज मच फॉर यू. ओके सो ओके सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. ओके सो नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज adaptations which are shown by reptiles, that is lizards or snakes. Here we are taking these two examples. Okay, so reptiles are actually the land animals. Okay, so they are respiring. उनका जो respiration हो रहा है वो किससे हो रहा है? वो lungs से हो रहा है. ठीक है. Next is they have scales. Scales, for example, you can take the example of snakes. Snakes के skin पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे ऐसे structures रहते हैं, right? These are the scales. Okay. Now these scales are for the protection of their inner body. Okay. So they have scales. Next is most of the reptiles जो होते हैं वो egg laying होते हैं. Okay. Egg laying का मतलब होता है oviparous. उसका एक दूसरा word है. But don't go in this much detail because in textbook we have only very small part for reptiles. So just keep it to here only that they respire through lungs and they have their scales for protection. They are land animals. Okay. So egg laying wala section I will explain you in some other chapter if it comes. Okay. Because it needs a different explanation for this topic in detail if you want to go. Okay. Next is adaptation for food in animals. So this part is also not going in detail. Why in textbook also we have very small part on this because the fourth chapter which we have is all about nutrition. Okay, so all the topics from relating to food, how they consume their food and their nutrition in animals will be covered up there. Okay, so that's why here they have not mentioned it much. Next is the adaptation for blending in environment. Okay, so for blending in environment, for this whole line you have one word. That is camouflage. 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 Now, what is the meaning of camouflage and why do animals need it? As I told you in case of polar bear, that any animal catches the color of its environment itself. For example, if you take an example of any animal, for example, if you have the chameleon. ओके मोस्टली पीपल नो चमेलियन. सो उनका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है कि अगर वो किसी चीज पे जाएगा तो वो उसी सेम कलर का हो जाता है. राइट अगर वो किसी लीफ पे जा रहा है तो खुद भी ग्रीन कलर हो जाएगा. अगर वो किसी बार्क ऑफ द ट्री पे जा रहा है जो कि ब्राउन कलर होगा, राइट, तो वो खुद भी ब्राउन कलर हो जाता है. तो व्हाई इज दिस? एक्चुअली दिस क्वालिटी इज अडेप्टेड इन एनिमल्स ओनली सो दैट इट विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इट्स प्रेडेटर. ठीक है, तो ताकि उसको जो है ज्यादा प्रोटेक्शन मिले और उसे ज्यादा एनिमल्स कंज्यूम ना कर सके. इसके वजह से मोस्ट योर तो वी टू ओनली वन एग्जाम्पल ऑफ चमेलियन, बट मोस्टली एनिमल्स शो दिस प्रॉपर्टी. ओके सो दैट दे रिमेन प्रोटेक्टेड इन दैर पर्टिकुलर हैबिटेट. नेक्स्ट पार्ट विच इज द लास्ट पार्ट योर इज क्लासिफिकेशन. Now see, classification may be there is not much description given, but I am sure that I will make a different video for classification wala topic because it is a very broad topic. Theek hai, if I will explain you in 2-3 lines, I don't think so anything will be clear, right? So that is why I will try to make a separate video on classification part. Okay, so that you understand all the things in detail. Also in this chapter I have added more more extra parts which you may not be able to see in your textbook, but I did that so that you are being able to understand everything. Everything is given in one word. Okay, so you may not be able to understand by reading, right? So what I did is I took every word and I have given explanation for each word so that while learning, while studying, you will enjoy it. Okay, apply whatever tricks I have told you, that catch an example of any animal and try to apply the adaptations. So this will be a very quick method for you to remember things. This chapter is a bit lengthy, but if you apply that logic and learn, then it will be very much easier for you.
Okay, so we are ending over here. Thank you. Okay, so for today, we are stopping here only. Please do like and share our videos if you like it. Do not forget to subscribe our channel. And please hit the bell icon to get the latest updates about our upcoming videos. Thank you.